तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, तमाम हमारे प्यारे छात्र छात्राओं और इस क्षेत्र के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे साथी, आप सभी को नमस्कार। आज पारसनाथ कॉलेज, बिल्कुल पारसनाथ का जिक्र आता है तो किसी भी शख्स के सामने गांव की तस्वीर आती है। वो गांव, उस गांव में खेती के माध्यम से हल चलाकर अपनी जीविका का उपार्जन करने वाले किसानों की तस्वीर सामने आती है और उसी बीच एक तस्वीर आती है उसी किसान परिवार की, बहने भाई लोग अपने कंधे पर केवल बस्ता लेकर नहीं, उस परिवार की उम्मीद को लेकर इस विद्यालय की दूरी को तय करते हैं। काफी कम उम्र में उनकी आंखों में बहुत लंबे लंबे सपने होते हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए वह एक रास्ता ढूंढते हैं। वो रास्ता आपके शिक्षक होते हैं। आप अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को लेकर यहां तक आते हैं और आज इस कॉलेज प्रांगण में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, क्योंकि वास्तव में आज अगर मैं आपके बीच विधायक के रूप में खड़ा हूं तो बेशक लोगों ने कहा और वास्तविकता यह है कि इस बार 2024 के सदन में मैं झारखंड का सबसे युवा विधायक हूं, लेकिन मैं युवा हूं इसलिए विधायक नहीं हूं, मैं अच्छा बोलता हूं इसलिए विधायक नहीं हूं, मैं इसलिए विधायक हूं क्योंकि मैंने उस कहावत को पुनर्चरितार्थ किया है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना गाढ़ा। और पहला झारखंड के इतिहास का भी शायद मैं पहला विधायक हूं जो स्टूडेंट एमएलए, जो लोग भी विधायक बने वो पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद विधायक बने, पर आपको तो मालूम है हमारे सदन में 50-30% ऐसे विधायक जो शायद मैट्रिक भी नहीं किए, यानी हम झारखंड के 24 सालों के हिस्ट्री में पहला विधायक है जो स्टूडेंट एमएलए। स्टूडेंट लीडर तो होते हैं, स्टूडेंट लीडर हर कॉलेज में होते हैं, छात्र नेता होते हैं, लेकिन छात्र विधायक हम झारखंड के इतिहास में पहला है, क्योंकि हम भी करंट स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई छोटी है। मैंने 2017 में मास्टर पास कंप्लीट किया है और उसी साल मैंने इनोवा भावे से इंट्रांस टेस्ट दिया था पीएचडी का, उसको मैंने पास किया है और उसी 2018 में मैंने एडमिशन लिया है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में। और चूंकि पिछले 2 सालों में काफी आंदोलन रहा तो समय का अभाव रहा और पहला कि हम अभी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, चूंकि मुझे मालूम है कि आज मैं अपनी शिक्षा की बदौलत यहां तक आया हूं, इसलिए आप तमाम मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन लोग यहां बैठे हैं छात्र छात्रा के रूप में, आपको मेरा यही संदेश होगा। आज जिस जरा महतो से आप परिचय हो रहे हैं, आज इसके चर्चे दिल्ली से लेकर उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ भारत से लेकर कश्मीर तक, चूंकि आज इस विधानसभा के चुनाव में जो हमारे पक्ष में परिणाम आया है, भले विधायक तो हमारी पार्टी से एक जीत कर गया लेकिन काफी ज्यादा वोट आने के कारण पूरे चर्चे हैं, तो उसका कारण यही कि हम पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे के युवाओं को हम लोगों ने आगे किया तो आज ये परिणाम हम लोगों ने हासिल किया है। इसलिए आपसे भी हमारी आग्रह होगी कि आप पढ़ाई लिखाई में कटौती ना करें, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप कम से कम हमसे तो बेहतर परिवार से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि पापा की कमाई नहीं है, माँ के पास तो पैसे नहीं है इसलिए हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, ये शिकायतें आपको अक्सर आती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमसे निर्धन परिवार से शायद नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मेरे परिवार में मैंने बहुत करीब से देखा, जब मेरा परिवार है तो मैं करीब से ही देखूंगा, मेरे परिवार में 20 साल ऐसा बीता है जहां कोई पुरुष मुखिया नहीं, यानी उस परिवार में आप कह सकते हैं मर्द मेरे चाचा थे लेकिन दोनों आंखों से अंधे थे, तो घर को चलाने वाले हो नहीं सकते, यानी मेरे परिवार ने मेरे जन्म के बाद से जब तक हम लोग बड़े नहीं हो गए तब तक मेरी माँ ने इस परिवार को संभाला। और अभी किस परिस्थिति में आपको मालूम है, जब मेरा पिताजी का डेथ हुआ था उस समय मेरी उम्र मात्र 2 साल थी और उससे बड़ा दुख का क्या बात था कि मेरा जो छोटा भाई था वो प्रेग्नेंट में माँ के कोख में था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। मेरे पिताजी जब डेथ हो गए उसके अक्टूबर में डेथ हुआ था, जनवरी मेरे भाई का जन्म हुआ था, यानी 4 महीना बाद मेरे भाई का जन्म हुआ था। उसी साल पिताजी का डेथ हुआ था अक्टूबर में और मेरे दादाजी का भी डेथ हुआ था शायद जुलाई में, उसी साल में मेरे दादाजी मेरे पिताजी दोनों दुनिया के छोड़ के चले गए। और ट्रेजिडी क्या थी, मेरे से पहले मेरे 2 भाई बहन थे, वो भी काफी कम 1-2 साल के अंदर उसी की डेथ हो गई,
यानी मेरी माँ जिसने परिवार को संभाला वो सोच सकते हैं कि किस कंडीशन में होगी। दो बच्चे उसका डेथ हो चुका था, उसी साल ससुर जी का डेथ हुआ था, उसी साल वो 28 साल की उम्र में विधवा हो चुकी थी। और उस माँ ने मुझे पढ़ाया, उस माँ ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि लोग जब आते थे तो बताते थे कि आपका बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। वो कभी हमको अपना घर का काम नहीं बोली, जहां तक हो सका हमारे लिए दो पैसा जुगाड़ करके हमको पढ़ाने के लिए कार्य किया। तो मैं आपको ये संदेश इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम आपके माता पिता आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ करके व्यवस्था करके देते होंगे। तो इसलिए जब भी मन में आपको ये ख्याल आए कि आर्थिक अभाव में आपको अपनी पढ़ाई छोड़ना पड़े, तो एक बार आपको दुनिया नहीं, कम से कम विधायक को याद कीजिएगा। मैं उस जगह से उठकर आया हूँ जहां से लोग सोच नहीं सकते। इसलिए कभी भी आप अपना किसी भी बहाना बनाकर अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा। ये पढ़ाई आपकी है जो शायद आपको बहुत सशक्त बनाएगी और आपको एक पहचान दिलाएगी। आज उसका उदाहरण मैं हूं। इसलिए आपसे और जहां तक एक विधायक होने के नाते मेरा आपको सहयोग करने की बात है, तो मैंने शुरू में कहा है कि आज कभी मैं उपायुक्त महोदय से मिला, उससे दो दिन पहले मैं उपायुक्त महोदय बोकारो से भी मिला और उनसे मैंने फंडों के बारे में जाना कि कौन से फंड विधायक यूज कर सकते हैं। तीन फंड और चार फंड के बारे में उन्होंने बताया। तो चार फंड तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे, मैं आज आपको विश्वास दिला के जाता हूँ एक पांचवा फंड होगा जो विधायक को आज के डेट में कोई भी अगर स्कूल के टीचर तो उनकी एक सैलरी होती है, कोई अगर पुलिस है तो उनकी सैलरी होती है, विधायक की भी सैलरी होती है। मैं वो अपनी सैलरी भी 75% आप लोगों के बीच रख लेता हूँ। और चूंकि मैंने पहली प्राथमिकता शिक्षा को ही रखा, क्योंकि अगर युवा शिक्षित होंगे, भाई बहन लोग शिक्षित होंगे, तो निसंदेह वो अपने अनुसार रास्ता तय कर लेंगे। जब उन्हें हम हुनरमंद बना देंगे, जब उन्हें हम अकलमंद बना देंगे, तो अपने प्रतिभा के आधार पर वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता बना लेंगे। इसलिए आज आपसे, क्योंकि आप एक ऐसे परिवेश में, एक सुंदर वातावरण में पढ़ने के लिए आते हैं, एक शांत वातावरण है, आप अपने आप को, यही आज समय है आपको तपाने का, अपने आप को गलाने का, ये तपस्या का यही समय है, तभी इसका परिणाम आपको भविष्य में दिखेगा। वो कहते हैं ना कि आज जिस उम्र के आप पड़ाव में, उसे हम लोग टीनेजर कहते हैं। टीनेजर का मतलब होता है 13 to 19। ये एक ऐसा उम्र होता है जिसकी तुलना में नदी से करते हैं, नदी जिसमें बारिश के मौसम में नदी को आप देखते होंगे, जब वो नदी अपने रास्ते में चलती है तो अपने रास्ते से हटके चलती है, कभी पहाड़ों से टकराती है, कभी वृक्षों को डुबा के ले जाती है, कभी चट्टानों से टकराती है, और वो अपने तूफानी अंदाज में बहती चली जाती है, क्योंकि वो बरसाती नदी होती है। लेकिन अगर उसी नदी में अगर डैम बनाए तो वह डैम का पानी निर्जन ऐसे भूमि पर जाएगा जहां पानी की संभावनाएं नहीं है और विकसित होने का कार्य होगा। तो डैम का तात्पर्य है आप अभी एक नदी के समान हो। जो भी छात्र छात्राएं हमारे सम्मुख बैठकर हमें सुन रहे हैं, आप एक नदी के समान हो। कौन सी नदी? जो बारिश के महीने में तांडव मचाती है। आप उम्र के उस पड़ाव में हो, तो आप जब तक डैम नहीं बनेगा तब तक आप किसी को नदी का कार्य नहीं करेंगे। डैम का मतलब है अनुशासन, डैम का मतलब है आपके शिक्षकों की निगरानी, डैम का मतलब है मर्यादा। जब आप अनुशासन में रह के अपने शिक्षकों के दिशा निर्देश का अनुपालन करके आगे बढ़ेंगे, तो निसंदेह जिस प्रकार वह नदी व डैम का पानी जब से रोककर निर्जन स्थानों में हम लेकर जाकर खेती की बात करेंगे, खेती का काम करेंगे, ठीक उसी प्रकार जब आप अनुशासित होकर आगे बढ़ेंगे, तो निसंदेह आप अपने साथ साथ, अपने गाँव के साथ साथ, अपने समाज के साथ साथ इस क्षेत्र में उन्नति और नाम रोशन करने का काम करेंगे। लेकिन अपनी शिक्षा को लेकर कभी कटौती मत कीजिएगा, उसमें कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, आपको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। समय का अभाव है और चूंकि इसके बाद भी दो तीन कॉलेज में ही हमारा आज कार्यक्रम है, एक विधायक के नाते जो भी आप हमसे अपेक्षाएं रखेंगे आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आपने कहा कि हम लोग युवा हैं तो युवा दौड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं, तो अपनी अपेक्षा आपने जो रखा है उस अपेक्षा से ऊपर उठकर हम आपका सहयोग करेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम इस कॉलेज परिवार के टीचिंग नॉन टीचिंग, इस कॉलेज परिवार के तमाम स्टूडेंट्स, तमाम इस कॉलेज के अभिभावक जो आज सुनने के लिए आए हैं, उनके अलावा उपस्थित जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, हम सभी को हमारा यही संदेश रहेगा कि डुमरी एक ऐसा क्षेत्र है
जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ के लोग कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं, आज इस क्षेत्र में एक बेहतर एजुकेशन हब के रूप में हम लोग तब्दील करते हैं ताकि यहाँ के बच्चों को हजारीबाग और इधर धनबाद नहीं डुमरी में ही उसी तर्ज की शिक्षा प्राप्त हो, हम ये प्रयास आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य बहुत बेहतर हो उसके लिए आज आपको संकल्प लेकर उस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। पुनः सभी को धन्यवाद।